L&M had been in partnership, sharing profit and losses equally. इनका equal share है profit और loss का. P was admitted to partnership. Partnership admission हो रहा है. And partners continue to share profit and losses equally. अभी भी उसके आने के बाद भी share क्या होगा? Equal होगा. आप तीन लोग हो जाएंगे partnership में. Goodwill introduce करनी है 48 की. No goodwill account would be retained in the books. Write off भी करनी है. तो old ratio में introduce कर दो goodwill को और write off नए ratio में कर दें आप लोग इसको. What were the accounting entries to record the goodwill? मतलब जब आप goodwill introduce की double entry बना देंगे और write off की double entry बना देंगे तो उसको नेट ऑफ करके बताना होगा कि क्रेडिट माइनस डेबिट उसका क्या नेट ऑफ हुआ, दूसरे पार्टनर का क्रेडिट माइनस डेबिट क्या नेट ऑफ हुआ और तीसरे का क्रेडिट माइनस डेबिट क्या नेट ऑफ हुआ. वो आंसर है. जैसे 48 है ना, गुडविल डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, क्या रेशियो है, कौन है पुराने पार्टनर्स, इक्वल है रेशियो 24,000. फिर राइट ऑफ कर दें, पी आया नया पार्टनर, अभी भी क्या इक्वल है ना. अब इक्वल कितना बनता है, 16. इंट्रोड्यूस हो गई ओल्ड रेशो में, राइट ऑफ हो गई नए रेशो में. आप इंडिविजुअली देखें, कैपिटल एल का क्रेडिट हो रहा है कितने से, एल की बात करें, एल का क्रेडिट हो रहा है 24,000 से और एल का डेबिट कितने से हो रहा है, 16. नेट ऑफ करें क्या बचा, 8,000 डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट 24 है और डेबिट 16 है तो क्रेडिट ज्यादा है ना, तो आंसर क्रेडिट आएगा जो ज्यादा है. तो L का 8,000 क्रेडिट हो गया. M का देखें, M का क्रेडिट कितना है, 24 और M का डेबिट कितना है, 16,000. नेट ऑफ करें, क्रेडिट और डेबिट माइनस हो गया तो क्या बचा आखिर में, 8,000 क्रेडिट. P पे आ जाएं, P का क्रेडिट कितना हुआ है, 0. P का डेबिट कितना हुआ है, तो नेट ऑफ करें, P का क्या हुआ है, 16,000 डेबिट. यानी कि पी 16,000 रुपए देगा, एल को कितने देगा, एम को कितने देगा, दोनों को 8,000 रुपए मिलेंगे. सही है, तो आप ये आंसर देख लें. फिलहाल वो ये नहीं पूछ रहा वो कितने देगा, उसको कितने मिलेंगे, वो नेट ऑफ करके पूछ रहे क्या होगा. आंसर होगा एल क्रेडिट 8,000, एम क्रेडिट 8,000 और पी डेबिट 16,000. डी आंसर है शायद, डेबिट पी का कैपिटल डेबिट 16,000, ठीक है, एल का क्रेडिट 8,000 और क्रेडिट एम का 8,000. इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? विच आइटम्स डू नॉट अपेयर इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एसओसी में क्या नहीं आता, डिविडेंड पेड आता है. डिविडेंड पेड का मतलब क्या होता है भाई, पेड का मतलब होता है इंटरिम और लास्ट ईयर प्रपोज्ड. पेड का मतलब ये होता है, प्रपोज डिविडेंड हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते और इंटरेस्ट हम लोग अप्रोप्रिएशन में जाने से, वो चेंजेस इन इक्विटी में जाने से पहले वाले प्रॉफिट में माइनस करते हैं. तो पहले हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं, फिर आता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो फिर एसओसी के अंदर जाता है. ये भी नहीं आता एसओसी में. तो वन आंसर होगा डिविडेंड पेड आ रहा है इनमें से सर. प्रपोज डिविडेंड भी रिकॉर्ड नहीं होता और इंटरेस्ट भी डी नॉट अपेयर, सॉरी, तो टू एंड थ्री अपेयर नहीं होगा, सिर्फ डिविडेंड पेड रिकॉर्ड होता. इंटरेस्ट चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आता, चेंजेस इन इक्विटी से पहले माइनस होता है इंटरेस्ट. तो चेंजेस इन इक्विटी में इन तीन में से सिर्फ डिविडेंड आता है.
और क्या नहीं आता, डिविडेंड प्रपोज और लोन इंटरेस्ट नहीं आता। आप 15 देखें, ऑन 1st January अ कंपनीज इक्विटी इंक्लूडेड $100,000 वन ऑर्डिनरी शेयर्स। $100,000 के साथ डॉलर लगा हुआ है क्या? $100,000 के साथ डॉलर नजर आ रहा है आप लोगों को? सात का मतलब समझता है, हैं? सात नजर आ रहा है, नजर आ रहा है नहीं आ रहा? सात आ रहा है या वन के साथ आ रहा है नजर? पास और दूर में फर्क पता है? $100,000 के साथ नहीं लिखा हुआ डॉलर, यानी कि $100,000 क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। तो $100,000 नंबर, इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि अभी तो डॉलर वन है। अगर ये डॉलर 0.5 होता है या 0.3 होता है, 0.4 होती ना पार वैल्यू, तो आपका MCQ मसले में आता है कि नंबर ऑफ शेयर और वैल्यू में फर्क फिर मसला करता। आपको आपको पता होना चाहिए कब उसने कंपनी अकाउंट्स में नंबर ऑफ शेयर दिए हुए। हटा दे तो सामने वाले को, उसके सर पे रख ले भाई पाऊँ। कब नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए, कब वैल्यू दी हुई शेयर्स की, ये पता होना चाहिए। अच्छा एक बात मैंने आप लोग को और भी बताई थी, जब डिविडेंड पर शेयर होता है तो वो लगता है नंबर ऑफ शेयर पे, और डिविडेंड जब परसेंटेज में होता है तो वो लगता है अमाउंट ऑफ शेयर्स पे। पढ़े MCQ।